तीसरी बार है वे नामदार है, हम तो कामदार हैं। और नामदार तो कामदार को सदियों से ऐसे ही गाली गलौज करते आए हुए हैं, ऐसे ही ठोकर मारते आए हुए। तो भाई मैं तो आप में से आता हूँ, गरीबी से निकला हूँ, अगर 5-50 गालियां पड़ जाएगी तो पड़ जाएगी, आप गुस्सा मत कीजिए। मैं सबको कहता हूँ आप लोग नाराजगी मत व्यक्त कीजिए, वो इतने निराश है कि अभी आगे आगे तो और बहुत कुछ बोलेंगे, आप अपना समय खराब मत कीजिए। देश में 18वीं लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, ऐसे में एनडीए को तीसरी बार सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी रण में है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए हर दिन देश भर में ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। अपने स्पेशल बुलेटिन चुनावी रण में पीएम में हम आपको पीएम मोदी के बारे में दिन भर की अपडेट देंगे और साथ ही उनके बड़े बयानों के बारे में भी आपको बताएंगे। अब तो मोदी ने देश के हर परिवार के बुजुर्गों के लिए मुफ्त इलाज की गारंटी दी है और मेरी आपसे विनती है, आप जब लोगों को मिलने जाएं ना तो हर परिवार में 70 साल से ज्यादा आयु के बुजुर्ग है उनको बताइए कि अगर बीमारी में जो खर्चा आपके बेटे को करना पड़ता था वो खर्चा अब दिल्ली में जो आपका बेटा बैठा है ना वो करेगा। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने, इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जा करके दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत एक्सप्रेस में और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव शुरू हो चुका है, ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और कार्यक्रम कर रहे हैं। बता दें कि आज पीएम नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर है, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। तो वहीं आपको हम पीएम मोदी के भाषण को सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको पीएम मोदी के दिन भर के कुछ ट्वीट दिखाते हैं। पीएम मोदी ने लक्ष्मीकांत भारद्वाज के एक पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा कि माताओं बहनों के इस स्नेह को देखकर मेरी आंखों में आंसू है, संकल्प भी है कर्ज को उतारने का, लेकिन लक्ष्मीकांत जी ये हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि हम इन बारीकियों पर ध्यान दें, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें। इसके बाद पीएम मोदी ने प्रकाश सिंह बादल साहब को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि महान प्रकाश बादल साहब को उनकी पहली पुण्यतिथि पर याद करते हुए उनकी अमिट भावना और सेवा के प्रति असीम समर्पण को बहुत याद किया जाता है। यहाँ एक लेख है जो मैंने पिछले साल लिखा था, जिसमें मैंने हमारी करीबी बातचीत को याद किया था। तो वहीं इन सब के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में 3 जगहों पर रैलियां की, जिसमें आगरा, आंवला और शाहजहांपुर शामिल है। इन जगहों पर पीएम मोदी ने कई जनसभाओं को संबोधित किया और साथ ही विपक्ष को लेकर उन पर निशाना साधा। बता दें कि कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में गुपचुप तरीके से जिस तरह आपकी मेहनत की संपत्ति को लूटने की बात कर रही है, उससे जुड़ा एक और बड़ा खुलासा हुआ है, वो ये है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। कांग्रेस, ये दोनों लोग क्या कहते थे, हमें चिढ़ाने के लिए आए दिन कहते थे, ये भाजपा वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं,
और कहते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर वो मजाक उड़ाते थे मंदिर वहीं बताएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे, ऐसी गाली देते थे कि नहीं देते थे। और मैं चुपचाप सब गाली सहता था, चुपचाप सहता था। आपके आशीर्वाद से हमने मंदिर भी बनवाया, प्रभु राम लला की प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई, हुई कि नहीं हुई। हमने तारीख भी बताई, टाइम भी बताया, जगह भी बताई और जाकर के निमंत्रण भी दिया, लो भाई ये जगह है, तारीख है, समय है, आओ। प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का इतना बड़ा अवसर, लेकिन उनका अहंकार इतना था, ये अपने आप को प्रभु राम से भी बड़े मानते हैं। और इन लोगों ने, सपा और कांग्रेस दोनों ने, इतना बड़ा पवित्र काम, राम मंदिर का निमंत्रण उनको घर जा करके दिया गया था, उस निमंत्रण को उन्होंने ठुकरा दिया। कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी, माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। वही क्षेत्र है जो योगी जी की सरकार बनने से पहले, योगी जी के आने से पहले समाजवादी सब कुछ ठप परियोजना का सबसे बड़ा शिकार था। आज की हमारे इस बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।